We are in the beautiful campus of BHU in Varanasi. You can see Vishwanathji Mandir, the trademark of BHU. It's incredible. So happy to be here and with between the students here. And aapka naam boli? Aditi Singh from MA final year. MA final, kisme MA kar? English sir. Achha, English. Wow, fantastic. Aap? Shivendra Pandey, I am pursuing here law. Oh, very nice. Ankit Singh Moraya, I am just completed my master's in tour and travel management. Very nice. Raj Dubey, I am completed my master's in agriculture. I am Amrit Upadhyay, not distributed. Very nice, very nice. Huh? इसको निकल दी. Yeah. So अब UP election होने वाला है, right? So who do you think will become the CM, next CM of UP? Akhilesh Yadav, or Banji, or Owaisi, कौन बनेगा CM? Sir, I don't think there is going to be any doubt like... Priyanka Gandhi? No, sir, I don't see any kind of competition. Like I am 1000% sure that Babaji is going to come. Babaji is going to come? Yes, sir. That is for sure. Yes, sir, Yogi Adityanath will attend. No, sir, Yogi Adityanath ko main nahi manta hu. Reason ye hai, kyunki abhi jo unke jo bhi tak kaam kiya inhone, chahe aap, jab bhi aap baat karte hain, youth ko leke baat karenge, job opportunities, या फिर गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, कुछ इन्होंने क्लियर नहीं किया. जी, एजुकेशन क्वालिटी आप देख लीजिए, अखिलेश यादव ने तो और भी डाउन किया था, इन्होंने इसको इम्प्रूव भी नहीं किया. ये जहाँ वही रुका हुआ है. अभी कोई नया कैंडिडेट चाहिए, नया चेहरा अभी तक तो कोई सामने आया नहीं है. प्रियंका गांधी को चांस वो नहीं आ सकती है. ओवैसी को ना, एकदम नहीं. अभी कोई नया चेहरा चाहिए. अब देखिए कौन आता है. मैं नया चेहरा इतना बोलता हूँ, आप लेते नहीं है, क्या करें? नहीं ले सकते ना. दैट इज द केस ना, वी डोंट सी एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अखिलेश यादव और मायावती और प्रियंका गांधी, आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन. सो इज अ श्योर शॉट दैट ही इज गोइंग टू कम, एंड आई थिंक अगेन विद द मेजोरिटी. आपका वोट किसको जाएगा, कौन बनेगा सीएम? मेरा वोट सर योगी आदित्यनाथ जी के लिए है. क्यों सर? उन्होंने आज तक सेमी एज अ स्टूडेंट, हाउ यू बेनिफिटेड फ्रॉम योगी जी गवर्नमेंट? सर लॉ एंड ऑर्डर जो कि आज से 2017 से पहले जब मैं यहाँ आया था, मतलब बेसिकली मैं यूपी का निवासी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ 2014 से यहाँ निवासी. किधर से हैं आप? मैं एमपी. अच्छा, जब मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो यहाँ हूँ, मतलब मुझे 7-8 साल से यहाँ हूँ. लेकिन मैं जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मैंने देखा है यहाँ चेंज होते हुए, जो 2016-15 में मैं लॉ एंड ऑर्डर देखा था, वो आज लॉ एंड ऑर्डर देखता हूँ ना, तो उसमें जमीन आसमान करता है. सेकंड सर, यूथ के लिए, जैसे यूथ के लिए सर बोल रहे हैं कि जॉब, इससे पहले 2016-17-18 मैंने यहाँ का UPSC का एग्ज़ाम दिया था, उसका एग्ज़ाम क्लियर फ्री आने में 3 साल लग गए. अभी जो करंट में हो रहा है, योगी जी अभी 19 का हुआ, 20 हुआ, विद इन द ईयर ज्वाइनिंग दे रहे हैं, विद इन द ईयर में फ्री मेंस इंटरव्यू साथ ज्वाइनिंग दे रहा है. इससे ज़्यादा बेनिफिट क्या हो सकता है? क्लियर आप बताएंगे? बहुत सारा. अच्छा, ये सही है क्या, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ? यस सर, डेफिनेटली सर. हाउ लॉन्ग यू हैव बीन हियर? Sir, sorry? How long you have been with BHU? Sir, I am here from my birth. No, no, BHU mein. In BHU, it's 5 years. 5 years. ये बोला जाता है कि यू नो देर वॉज प्रॉब्लम विद द वुमन सिक्योरिटी हियर, देर वॉज सो मेनी थिंग्स, वुमन वर नॉट फीलिंग सेफ. ये ठीक है क्या? Sir, it happened, but in I think in 2017. In 2017 it happened, and from and I don't think BJP government was not here in state. In state, BJP government was not here. But from after that, I don't think I feel unsafe like going in night at 10 or 11. Even I just consider myself with the other that if I'm feeling safe, then others too. And I haven't seen any kind of case that छेड़खानी का मामला यहाँ या वहाँ. I haven't seen. होता नहीं है. Not even in this campus. But I haven't seen. पहले हुआ करता था क्या? It happened with the BHU student. I just don't remember her name. But in 2017 it happened right in front of the hostel, Triveni hostel, and there. But after that it doesn't happen anytime. क्या भाई आप किधर के हैं? आपका नाम क्या है? My name is Kanhaiya Singh. I am from philosophy. I'm a philosopher. अच्छा, आप बोलिए, आपका नाम क्या है? किधर आना? नाम क्या, आप क्या करते हैं? आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12. तेज बोलिए. आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12. क्लास 12? अच्छा, इधर नहीं पढ़ रहे हैं फिर? हैं, तो आप BHU का स्टूडेंट हैं. अच्छा, तो कौन बनेगा CM इस बार? आपका वोट किसको जाएगा? In that term, I don't know where I'm going to
प्रियंका गांधी को देंगे? नो आई नॉट आई एम नॉट गोइंग टू गिव माय बहन जी को देंगे. इट्स आई थिंक इट्स माय क्या है क्या क्या हंसते क्या बहन जी को नहीं दें तो ओबेसी को देंगे ओबेसी को देंगे. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. ओबेसी को श्योर नहीं है अभी तक. किसको आप फिलॉसफी पढ़ते हैं? आंसर नहीं, आपका फिलॉसफी क्या है? एक्चुअली इट्स माय प्राइवेसी. अच्छा so, फिर भी आप बोलिए कौन बनेगा सीएम? आप आपका वो छोड़िए, कौन बनेगा सीएम इस बार? आई एम नॉट अवेयर विद दिस टर्म पॉलिटिक्स एंड आई डोंट थिंक सो दैट हु इज गोइंग टू बिकम अ वंडरफुल वंडरफुल ओके वंडरफुल. आपका वोट किसको जाएगा भाई? बीजेपी को. हाँ इधर आइए, इधर आके बोलिए. अरे आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट बीजेपी को जाएगा, बट एक दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं लोकल कैंडिडेट भी देखूँ. अच्छा, अगर लोकल कैंडिडेट मुझे दूसरी पार्टी का बेहतर दिखता है बीजेपी के मुकाबले तो मेरा वोट बीजेपी को नहीं आएगा, तो फिर मैं दूसरी पार्टी की तरफ भी जाऊँगा. सीएम किसको चुनेंगे? योगी आदित्यनाथ. फिर दूसरे कैंडिडेट को दिए तो कैसा सीएम आएंगे ये? सर एज अ सीएम कैंडिडेट तो योगी आदित्यनाथ. या फिर लोकल कैंडिडेट में किसी और को दिए तो वो कैसा बनेंगे सीएम? नंबर तो होगा नहीं. तो सर इससे एक प्रेशर बनेगा सर कि पार्टी साफ सुथरे उम्मीदवार को. सही है ना? सर मैं इनका कहना बिल्कुल ठीक है, हम किसी पार्टी के बैनर को नहीं देख सकते. हाँ. हमारा जो काम करेगा वो लोकल करेगा, जो हमारा द्वारा जो मेरे द्वारा सिलेक्टेड होगा. तो जी तो ये रही बात, इसमें आप किसी एक व्यक्ति को देखे, लास्ट टाइम हुआ किसी को भी वोट दे दिया गया, लोगों ने बीजेपी की लहर में बीजेपी को वोट दिया, लेकिन क्या काम कर रहा है लोकल लोकल जो भी नेता है, क्या काम किया आपने देख लीजिए. मगर ये आज का जो वर्तमान गवर्नमेंट, वर्तमान गवर्नमेंट को ही देख के चलेंगे. कोई कोई काम किया है या नहीं किया आपके हिसाब से? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, रोड कनेक्टिविटी को देखें, काम हुआ है, लेकिन करंट पावर पावर के में भी काम हुआ है. सीधी बात, सिक्योरिटी भी ठीक ठाक हुई है, पहले के अपेक्षा ठीक हुई है. लेकिन और गंगा घाट की बात करते हैं हम, उसके नाम पर काम हुआ है, प्रोजेक्ट पे काफ़ी पैसे आए हैं, लेकिन वो सही ढंग से काम नहीं हुए हैं जिस हिसाब से पैसे आए हैं. क्योंकि अभी रिसेंटली में गंगा के जस्ट अपोजिट में इन्होंने आइलैंड बनाने का बनाया था प्रोजेक्ट, ऑलरेडी सारे साइंटिस्ट और जो भी बड़े अधिकारी उच्च लेवल के अधिकारी उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मना किया, लेकिन चूंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कहकर उसको बनाया जाता. बाढ़ आया, कितने करोड़ रुपये नुकसान हुए, वो पैसा हमारा आपका था, न कि किसी सीएम का या किसी पीएम का था. बिल्कुल. तो इसकी जवाबदारी कौन देगा? एम्प्लॉयमेंट, आप बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हर सेक्टर में इस जगह खाली है, वो जगह क्यों फुलफिल नहीं कर रहे हैं? एक लड़का आज जेटमी ग्रेजुएशन करके घूम रहा है. एक मिनट, आप क्या बोलेंगे इनके लिए? एम्प्लॉयमेंट नहीं, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट में एग्री करता हूँ मैं, बाकी जो चीज़ें इसने बोला सिक्योरिटी को लेके इम्प्रूव है. हाँ, घाट का बोला जाए तो सर घाट का मैं क्या बोलूँगा, आप अगर चाहे कोई भी चाहे तो गूगल कर सकते हैं 2014 से पहले का और आज 2021 का, आपको जमीन और आसमान का अंतर खुद दिख जाएगा. ऑब्जर्व खुद कर सकते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है. उससे पहले की वीडियो अवेलेबल है, सारा मीडिया पर अवेलेबल है. भाई आपका नाम क्या है? अनिल सिंह. पास में है, किधर से हैं? मिर्जापुर. अच्छा, यूपी यूपी का निवासी. कौन बनेगा सीएम? सीएम योगी जी बनेंगे. आइए योगी जी. हैं योगी जी? योगी जी आइए आइए मत आइए, बोलिए आपका क्या राय है वो भी बोलिए. हैं योगी जी बनेंगे? बिल्कुल. क्यों? अच्छे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, मतलब देश के लिए प्रदेश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं. नहीं, ये तो बोला जाता है कि योगी जी बहुत ठाकुरवाद करते हैं, बाकियों को देखते नहीं. हम राजपूत हैं लेकिन गलत बोल रहे हैं, हम लोग हमारा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल हमको उसी को भाजपा को वोट देना. हमारा स्वयं क्यों क्यों दो रीजन बोलिए क्यों आप देश के लिए प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा अच्छे काम कर रहे हैं और क्या. ओके, आपका वोट किसको जाएगा? भाजपा बोलते हैं नहीं, बी एच यू में क्या है ये हो गया क्या, भाजपा का हो गया क्या बी एच यू? अखिलेश जी का कोई है इधर सपोर्ट? दो घंटे का
समय लगेगा, दो घंटे में पहुंच जाएगा। कौन बनेगा भाई सीएम, कौन बनेगा नेक्स्ट टाइम? योगी। अरे योगी, आप भी किधर पकड़ के आ गए सब लोग। आप क्लैप करते हैं मगर बात नहीं करते हैं। किसको वोट देंगे, क्यों देंगे भाई आप? क्यों अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए योगी को वोट देंगे? क्यों, ये क्या अच्छा काम किया आपको? बहुत अच्छा। आपको क्या मिला योगी जी आने से, आपको क्या मिला? अरे हमको कुछ मिला नहीं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक इधर आके बोलिए, इधर आके बोलिए, नहीं नहीं इधर आके बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ पास में आइए जरा। आपका नाम क्या बोले? मेरा नाम है अरुण कुमार सिंह। किधर से हैं? किधर से? इंदियापुर से। अच्छा ओके, बोलिए क्यों, क्या आज योगी जी ने अच्छा काम किया? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, रोड भी बनवा रहे हैं, हर एक काम अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा काम? ये एक मिनट माता, कोई पांच बात बता दीजिए, दो तीन बोलिए, क्या क्या अच्छा काम, आपको क्या फायदा मिला? अरे रोड अच्छा बनवा रहे हैं, जनता को सुविधा दे रहे हैं, गरीबों का सहयोग कर रहे हैं। ये सही है क्या? आप तो योगी जी पहले ही बोल दिए हैं, क्यों अखिलेश तो युवक हैं, उनको क्यों नहीं देना है? अखिलेश युवक है लेकिन कुछ करते नहीं है, वैसे ही गुंडा राज है, गुंडा राज उनके जमाने। ये सही है क्या जो बोल रहे हैं सर? देश विरोधी तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन उनके रहने से हाँ वो आपकी राय वो, लेकिन ये है सर कि मतलब उन काम तो नहीं है। और सर ये एकदम सच्चाई है कि अगर ये जो लोकल पार्टीज जो भी इलेक्ट होके आती हैं तो इनके मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो सीएम है वो वहाँ बैठ गया तो अब ये पूरा प्रदेश ही उनका हो गया है। वो नेक्स्ट लेवल का वो जो क्या जो गुंडागर्दी, वो ज्यादा वर्ड सही बैठेगा। पूछेंगे आप सोच ले किसको किसको सीएम बनाने वाले? एक्चुअली मेरा जो है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपना कैंडिडेट यहाँ से खड़ा करते हैं बहुत बढ़िया, तो वो बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि लोग बोलते हैं ठीक है मैरिज एक्ट लाए योगी जी। अरे मैं तो उनको भूल ही गया। हाँ उसको अच्छा हुआ आप याद दिलाए। मैरिज एक्ट लाया, क्या प्रॉफिट हुआ आपका, मेरा किससे क्या प्रॉफिट हुआ? ठीक है एम्प्लॉयमेंट की बात लोग भैया लोग कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है कहाँ दे रहे हैं भाई? ये तो सही बोल रहे हैं ना। टीचर की वैकेंसी अभी देख लीजिए, पिछली बार टीचर की वैकेंसी उतनी वैकेंसी कैंसिल हो, वीडियो की वैकेंसी देखिए पूरी वैकेंसी पूरी वैकेंसी कैंसिल हो। ठीक है सुनील, आप ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है अभी ऐसे ही चल रहा है और ऐसे चलता रहा। ठीक है हम क्या एक थे सर, वो बोले दे आर बिलोंग टू द राजपूत कम्युनिटी, दे बिलोंग टू द राजपूत कम्युनिटी एंड आई एम ऑल्सो बिलोंग टू द भूमिहार कम्युनिटी, सो आई एम ऑल्सो बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी, सो इट डजंट मीन दैट आई एम गोइंग टू वोट टू गिव माय वोट टू पर्टिकुलर कम्युनिटी। ओके सर, सो जस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर एक पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। ठीक है अच्छा, जो राइट इंटरेस्ट, ये बताइए कि सब लोग तो यही बोल रहे हैं ना, पर्टिकुलर यही बोल रहे हैं कि रोड बनवा रहे हैं, ठीक है 2 किलो गेहूँ दे रहे हैं, 2 किलो मतलब 20 किलो चावल, 20 किलो आटा, मतलब 20 किलो गेहूँ दे रहे हैं। ठीक है अब RBI का रेट देख लीजिए कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया, 8% से 7%, 2% इधर जनता का पैसा लेके जनता के लिए तो दे रहे हैं। ठीक है हाँ। एक मिनट रुके, ओके ये बोलते हैं भाई अरविंद केजरीवाल आए तो यूपी को दिल्ली बना देंगे, आपको इसके बारे में? यूपी बहुत छोटा, यूपी बहुत बड़ा दिल्ली नहीं, उसका थोड़ा ना इससे कंपेयर किया जा सकता है दिल्ली से यूपी का। ये एक दिल्ली की जनसंख्या बहुत कम है, यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं मतलब दिल्ली जैसा अच्छा हो तो हो सकता है ना, दिल्ली जैसा अच्छा, दिल्ली जैसा इतना छोटा थोड़ा ना यूपी की उतना जल्दी हो पाए। प्लानिंग होती है बड़े और छोटे से, नहीं होते बड़े छोटे से नहीं होते, उन्होंने वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था नहीं सकती है ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे दिल्ली वाली ग्राउंड लेवल पे। इधर भाई इधर सुनना, इधर पलट के बात करना, इधर पलट के एक बार बोलूंगा, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% प्रोजेक्ट दिल्ली में चलता है, स्टेट गवर्नमेंट से 40% है, वहाँ का बजट इतना ज्यादा है भाई, इतना इनकम हाई इनकम है, पर पर्सन दिल्ली, आप यूपी देख लीजिए क्या बात करते हैं। दिल्ली में शराब पीना है तो घर को आ जाता है, यूपी में आ सकता है क्या सर? रेवेन्यू जनरेटर सेंट्रल गवर्नमेंट गिव देयर 60% शेयर एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयरिंग 40%, दैट टर्म इज बिलोंग टू द ऑल ऑफ द स्टेट दैट बिलोंग टू द 28 स्टेट ने, वो यूनियन टेरिटरी है ना, 6% 40% शेयर बिलोंग टू द, नो दैट इज अ यूनियन टेरिटरी, नो या यूनियन टेरिटरी, बट यूनियन टेरिटरी सर इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 239 ए, यूनियन दिल्ली बिलोंग टू द यूनियन टेरिटरी, सो
यूनियन टेरेटरी के लिए हर एक स्टेट का जो जो जितने भी यूनियन टेरेटरी होती है, आपका वोट किसको जाएगा? आपका वोट किसको जाएगा? संजय सिंह जी को जाएगा, किसको जाएगा? अभी तो वो तो उसी टाइम पे डिपेंड करेगा, अगर अरविंद केजरीवाल अच्छा कैंडिडेट यहाँ से उतारते हैं तो डेफिनेटली हम संजय सिंह को उतार देंगे। आप बोलिए, हम बोल देंगे उनको। क्यों? तो आप भी पार्सलिटी कर रहे हैं ना सर, पार्सलिटी आप मत करिए ना, तो डिपेंड करता है उनके पे, उनके भाई, उनके जो पार्टी सेक्रेटरी हेड है। संजय सिंह अच्छा आदमी है, ऐसा बड़ा नेता है। वो तो राज्यसभा में एक्चुअली इलेक्शन के बाद जब और उनके खिलाफ भी आरोप लगता था, पुराने आरोप सबका ऊपर है जो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं तब तो डिपेंड करता है ना, क्या करते क्या नहीं करते हैं। ये भी हो सकता है, आप ये गेस ही आप सिर्फ ये काम के लिए ये जवाब देना मुझे, आपका वोट किसको जाएगा? आम आदमी पार्टी। फैंटास्टिक, यही मैं जानना चाहता। आपका भारतीय जनता पार्टी, सब आम आदमी पार्टी। अगर अच्छा कैंडिडेट उतारती है तो नहीं तो फिर संजय सिंह को उतार देंगे, फिर क्या किसको जाएगा? वो तो बड़ा नेता है, सब बड़ा नेता होने से मतलब मोदी जी के खिलाफ मतलब जो भी है इधर। नहीं, मोदी वो तो एमपी है। मोदी जी क्या हो चुके हैं अभी, एक नेशनल क्या इंटरनेशनल नहीं फेस हो चुके हैं, मतलब इधर का। अगर संजय सिंह जैसा आदमी को उतार दिए तो अच्छी बात है ना। वो तो राम जन्मभूमि को में भी घोटाला देखे थे उनका। अब ये डिपेंड करता है कि उनका पोर्टफोलियो क्या देते हैं, किस चीज टॉपिक लेके आते हैं। इलेक्शन में आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट इलेक्शन में उसी को जाएगा जब तक मैं किसी का वो नहीं देखता हूँ कौन क्या बना के। ठीक है, आपका वोट आपका वोट। तो बीजेपी कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4। आम आदमी पार्टी 2। मतलब ये तो बुरी हाल है, अखिलेश का एक नंबर नहीं आया, ये तो बुरी हाल है। रीजन है सर, अखिलेश दूसरा रीजन है। आप किसी एक जाति को लेकर नहीं चल सकते हैं, वो सिर्फ एक कास्ट से बड़ा है। आज मैंने बहुत जगह गया था, वो परशुराम का पुतला लगते हैं सारे जगह, वो किधर जाति का किधर करते हैं, सारे जाति क्या करते हैं, झगड़ना पड़ रहा है सर, वो रिएक्शन है। बहुत अच्छा हुआ मिलके, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण।